24 करोल बाग आ जाइयो। हमने आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है, 4 बजे का अपॉइंटमेंट। बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट, दिल्ली की सबसे बड़ी, गाड़ी तैयार रहेगी, आप तैयार हो जाइएगा, हम भी आपके साथ चलेंगे। जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपसे प्यार करते हैं नीतू जी। पापा जी। सिमू बेटा, कैसी हो बेटा? क्या बात है पापा जी, मैं आपकी दुकान गई थी, बंद थी। क्यों? पापा जी, मैंने अनुज को देखा रास्ते में, वो अनीता के कंगन गिरवी रख रहा था। ऐसा क्या हो गया है? अनुज को नौकरी से निकाल दिया गया है बेटा। क्या? हाँ, एक महीने का नोटिस दिया गया है बेटा। मैं अनुज से बात करके ना फिर तुझे फोन करता। पापा जी, मेरी बात। कितने पैसे मिले तुम्हें? मैं पूछ रहा हूं, कितने पैसे मिले तुम्हें बहू के कंगन गिरवी रखकर? तुम ही गए थे कंगन? अरे याद आया, पता नहीं मुझे भी क्या होते जा रहा है। सॉरी अनुज, तुमने कहा था अंकल जी की दुकान का टैक्स पे करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए पैसे चाहिए थे ना, इसलिए कंगन गिरवी रखकर। मैं आपकी मदद करना चाहता था। बहू के कंगन गिरवी रखकर तुम मेरी मदद करना चाहते थे? शर्म आती है मुझे तुझ पर, तेरी सोच पर। आज मेरी सिम्मू होती तो क्या वो ऐसा करती? नमस्ते अंकल जी। नमस्कार। तू? मैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे अंदर? मैंने बुलाया है। चलिए टेरेस पे चलते हैं। हाँ चलिए। आप चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ, मैं जरा सामान ले। अनीता, एक ठंडे पानी की बोतल ऊपर भेज देना और थोड़ा चखना। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसकी समझ में यह नहीं आ रहा कि राजीव भल्ला किस तरह का इंसान है। गलत किस्म के धंधे करता है वो, और अनुज ये जानता है। आज उसे घर ले आया, ऊपर बैठकर शराब पी रहे। कल उसी के साथ धंधा करेगा, क्या धंधा करेगा, कैसा धंधा करेगा, गलत सही कोई नहीं जानता। लेकिन मैं उसे जरूर समझाऊंगा। भाई अब तू देर मत कर, फटाफट लोन के लिए अप्लाई कर दे, मैंने बहुत तगड़ी वाली सेटिंग लगा रखी है। लेकिन राजीव जी, इतना बड़ा लोन मुझे कैसे मिल सकता है? अब तो नौकरी भी नहीं रही, कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा डिपॉजिट मानकर। अरे राजे, ये घर है ना राजे, ये सब चीजें ऐसे ही टाइम पे काम आती है। लेकिन घर तो पापा जी ने मेरी तीनों बहनों के नाम कर दिया है। मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेता बेकार की? ठीक है, लोन एप्लीकेशन फाइल कर देता हूं, फिर तो मुझे ये 2 करोड़ का लोन मिल सकता है। लापता 24 करोल बाग।